आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। जिनने अभिषेक कर लिया है वो पीछे बंद है और जिनने नहीं किया एक एक धारा करते हुए अभिषेक करते चले। तीर्थोत्तम भवैनी रहे चीरे वार द्रोप गए श्रप्यामी जन्म दान जिन्ना सर्वा कृति दान ओम प्रीति भगवा देवी राम दान जले कृष्ण प्यामा ओम प्रीति भगवा देवी राम दान जले कृष्ण प्यामा ओम प्रीति भगवा देवी राम दान जले कृष्ण प्यामा। चलिए एक एक धारा करनी है, सामने से कोई नहीं निकलेगा, पीछे पहुंचेंगे। श्रीमंतम भगवंतम कृपालुजंतम मृद्वादिमाभिरांता चतुर्विंश तीर्थंकरपणं देवमात्यानामाते मध्यलोके जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे आर्यगण्डे भारत देशे राजस्थान प्रांते जहात्मन्नाम अत्सक्षेत्रे जहात्मन्नाम नियत्सक्षेत्रे मासानुमुत्तमे माघ मासे शुक्ल पक्षे नवम्यां नमम्यम तदुदिन सोमवासरे मुनियार का श्रावक श्रावकाणम सकल कर्मचार्थम जलेना भिषिञ्चये। एक एक धारा करते हुए पीछे चलते जाए। यह स्वस्ति धाम में देखो ओम ब्रीम श्रीम क्लीम अरम अस्य अस्य नमः।
आचियाउषा अनाहत विद्यायिदं मोरियं दानुनाम सर्वगण शांतिम आव आहराम सिहरी आहरम उहरम सारजगत तपनाचनाय रीम शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम आव म्रीम सि शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रार्थी अरमणदाय अशोक तरुसत प्रार्थी अरशोभन पद प्रदाय हमल बररम विजय सर्व भद्र शांति ग्राय नमः सर्व शांतिम आव म्रीम सि शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि शत प्रार्थी अरमणदाय सुर पद प्रशिषत प्रार्थी आरे शोभन पद प्रदाय बमल बर रुम विजय सर्व उद्र शांति ग्राय नमः सर्व शांति ओम ब्रह्म सी शांति नादाय दिव्य ध्वनि सत प्रार्थी अरमणदाय दिव्य ध्वनि सत प्रार्थी आरे शोभन पद प्रदाय बमल बर रुम विजय सर्व उद्र शांति ग्राय नमः सर्व शांति ओम ब्रह्म सी शांति नादाय चामरोज्वल सत प्रार्थी अरमणदाय चामरोज्वल सत प्रार्थी आरे शोभन पद प्रदाय रमल बर रुम विजय सर्व उद्र शांति ग्राय नमः सर्व शांति ओम ब्रह्म श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रार्थी अरमणदाय सिंहासन सत प्रार्थी अर शोभन पद प्रदाय घमल पर रूम विजय सर्वोद्र शांति ग्राय नमः सर्व शांति ओम ब्रह्म श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रार्थी अरमणदाय दुंदुभि सत प्रार्थी अर शोभन पद प्रदाय समल पर रूम विजय सर्वोद्र शांति ग्राय नमः सर्व शांति ओम ब्रह्म श्री शांतिनाथाय त्रिछत्र सत प्रार्थी अरमणदाय सर्व शांति ओम ब्रह्म श्री शांतिनाथाय प्रार्थी हरियाशिषताय बीजाश्च मन्नन मन्दाय सर्वज्ञ शांति कराय नमः सर्व शांति ओम तव भक्ति प्रदाता लक्ष्मी पुरराज की पद पृष्ठ पत्र दारिद्र योद्भव पत्र स्वचक्र प्रचक्रोद्भव पत्र प्रचन पवनान जल उद्भव पत्र शाकनि डाकनि भूत पिशाच करतो पत्र दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित पद बाणम नाशनम भवतो सदास्तु बाल ब्रह्मचारी दीदी शशि कला जी सपरिवार अंकुश जैन सपरिवार मामचंद जैन सपरिवार सौ धर्मेंद्र महाराज सुमित्र यज्ञ ईशान सनत कुमार महेंद्र आदि सर्व इंद्र सपरिवार समस्त ऋषियार मुनियार का श्रावक श्रावगण सपरिवार मुनियार का मुनियार का सर्व संघर्ष श्रावक का श्रावगण सपरिवार श्री श्याम तीरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्री सद्धर्म बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ॐ रमण मोहन मंगल संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ च भवतु ओम नमो भगवतो बट मन से रस से जकम निरंतर गच्छि आयासम पायालम लोयाडम भूयाडम जैव विवादे व रणंगले व थंबले व मोयले व सब्जी चतरम अपराध बदु में रख रख स्वाहा ओम नमो भगवतो बट मन से रस से जकम निरंतर गच्छि आयासम पायालम लोयाडम भूयाडम जैव विवादे व रणंगले व थंबले व मोयले व सब जीव चतरम अपराध बदु में रख रख स्वाहा ओम नमो भगवतो बट मन से रस से जकम निरंतर గచ్చై ఆయాసం పాయాలం లోయాణం భూయాణం జైవ వివాదేవ రంగడేవ తమ్రేవ మోయడేవ సబ్ జీవ శత్రువద వధువే రఖ రఖ స్వాహా సంపూజికానం ప్రతిపాలకానం యతీంద్ర సామాన్య తపోధనానం నిశశిరాశ పురశిరాజ కరోతు శాంతిం భగవజిని కరోతు శాంతిం सभी लोगों को अर्घ्य लेना है अपने अपने स्थानों पर उदक चंदन दल समस्त इंद्राणियां जो हमारी ऊपर वाली इंद्राणियां मुख्य इंद्राणी वो हवन कुंड के पास पहुंच जाए हवन अंदर वेदी में हवन कुंड के पास पहुंच जाए वहां से आरती करेंगी और वहां से आरती करेंगी बीच वाले बीच से जो नीचे वाले नीचे मूल नए भगवान विराजमान है अंदर उनके अंजलि देखिए तीर्थंकर पूजा ही करना है तो क्रम बदला हुआ देखिए आज यहाँ वाले नीचे बैठे हुए आज ऊपर वाले नीचे आए हैं तो क्रम बदला हुआ है रवि केवल ज्ञान का चमक रहा
जिसके अंतर हृदय स्थल में तत्वों का ज्ञान करा करके पहुँचा दीजिए जोशीपुर में। दुर्गम संयम पथ पर चल कर निज आत्म ध्यान में लीन रखे, श्री देव शास्त्र गुरु के चरणों में हर पल मेरा ध्यान रहे। ओ कौन समंथ पड़ो में जिससे तुम धरती पर आओ, इन सब पीड़ित हुई ये दुनिया आके इसे बचाओ, के एक बार आओ प्रभु जी दर्श दिखलाओ प्रभु जी, एक बार आओ प्रभु जी दर्श दिखलाओ प्रभु जी। स्थापना करनी है और मैं अनुरोध करूंगा माता जी को लाने के लिए मुनिसंघ सेवा समिति, कृपया माता जी को सीखता से मंच पर लेके आए, पूरा संघ आएगा माता जी का। पूज्य आचार्य श्री अभी नहीं आएंगे, पूज्य आचार्य श्री 9 बजे आएंगे, लेकिन पूरा माता जी संघ अभी यहाँ आएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ स्वस्ति भूषण माता जी के शिष्य निवेदन करें और माता जी लेकर आए। ओम रीम श्री देव सास गुरु समूह अत्र अवतर 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 संभूषण आह्वानम जय। ओम रीम श्री देव सास गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय। ओम रीम देव सास गुरु समूह अत्र ओम सनतो भाव भाव वशिष्ठ निधि करणम पुष्पांजलि क्षिपा महा। सबको नीचे की लाइनें पढ़ने की कोशिश करनी है, नीचे की दो लाइनें चलिए। नहीं है भैया जी आइए ठीक है। देव शास्त्र गुरु पूजन कर लो, देव शास्त्र गुरु पूजन कर लो, अतिशय पुण्य कमाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों वीत रागता पाने को, वीत रागता पाने को। देव शास्त्र गुरु पूजन कर लो, देव शास्त्र गुरु पूजन कर लो, अतिशय पुण्य कमाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों दीप रागता पाने को, दीप रागता पाने को। जग के कीचड़ में फंस करके जीवन को वृथा गवा डाला, दिन भर वाणी को ना पाया, मिथ्या को मेरे ना पाना, अमृत जल लेकर आया हूँ ये जन्म मरण तुम दूर करो, हे देवागम गुरु करुणा कर मुझ पर ऐसा आशीष करो। राम भाई नीचे की दो लाइन बुलवाने की कोशिश करें। ओम श्री सिद्धेव सद्गुरु समूह जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन अनुभवति। नीचे की जो दो लाइनें हैं वो आप सब सभी को बोलना है। जग चिंता में है प्रभु बल, जीवन को चिता बना डाला, हर पल हर क्षण में जलता हूँ, हृदय में उठती है ज्वाला। बोलिए बहुत बढ़िया। यह है हे देवागम गुरु मुझ पर। ओम रीम देव सद्गुरु समूह वो आता विनाशनाय चंदन अनुपमिति। आयु घटती रहती गुरु माता है आई, सुसंयम का पहलवाना हाथ में पीछी ले आई, वो देखो होले होले से मेरी गुरु माता है आई, वो देखो होले होले से मेरी गुरु माता है आई। जीवन में जीवन में भोजन राम भैया जीवन में भोजन जीवन में भोजन, जीवन में भोजन बहुत किया पर भूख न मेरी शांत हुई, रुकता बनी रही मेरी अशांत हुई, तेरे चरणों में आया हूँ ये शुदा व्याधि तुम दूर करो, ओम रीम देव सास गुरु समूह क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य प्रमिति। प्रभु ज्ञान दीप हो गया मध्य अज्ञान अंधेरा छाया मेरा मेरा करता
ना हरता पर हाथ नहीं कुछ आया है। प्रभु ज्ञान दीप की ज्योति से मम अंधकार तुम दूर करो। देवा गम गुरु करुणा सागर मन पर ऐसा शीश धरो। ओ प्रेम देव सतगुरु समूह अंधकार नाश नाही दीपन रमिति। ये कर्म बहुत दुख देते हैं ये बात मैं सोचा करता था। कर्मों के द्वारा पापों की गठरी भरता था। ये धूप समर्पित करता हूँ हम कर्मों का तुम ध्वंस करो। हे देवा गम गुरु करुणा सर्वज मन पर ऐसा शीश धरो। ओ प्रेम देव सतगुरु भयो अष्टम धनाय दुपुन रमिति। मैं पुण्य का फल मैं पुण्य पाप का फल पाता और राग द्वेष में पड़ा रहा। सुख को हाथी बना दिया संसार चक्र में अड़ा रहा। मैं चतुर गति में भटक रहा फल मोक्ष गति। श्रद्धा भक्ति भाव से नमन करूं शत बार अरिहंत देव के महादेव इनके चरणन की करत सेव। तो कर्म घातिया की जोर सुख दर्शन ज्ञान हुए। चालीस मूल गुण के धारे भक्तों के तुम हो उपकारी। चरणों तन सुर पंक जय जाए जय जय की ध्वनि से अंग जाए। नर देव पशु चरणों आए वाणी सुनकर शीश नवाए। सब वेद व्याज क्षण में नशाए चमत्कार चरणों में पाए। शीतल वायु और पुष्प वृष्टि शुभ शुभ होती जा आप दृष्टि। बदलाते हैं तत्वों का सार भव्यों की नैया करे पार। जग में तुम मई मागे मगान हम करते हे सत सत प्रणाम। मेरा भी उदय आया तो पूजन कर मने हर जाया। भगते मुख से हुई ओंकार व द्वादशांग का बना सांग। केलाई व बाजिनवाणी भव्यों की हे यह कल्याणी। गंध वेश के धारी है वे गुरु पर हमको प्यारे हैं। वे पंच महाबतवारी गे भाई को दुखिलता हारी गे। करे मोक्ष पुरी की तैयारी उन्हें मोक्ष सुंदरी है प्यारी। नहीं ज्ञान ध्यान में लीन सदा नहीं अशुभ कर्म करते कदा। ऐसे मुनिवर के दर्श पाए चरणों में शत शत शीश नाए। भक्ति नित करके प्रभु भक्ति शीघ्र शीघ्र मिल जाए। वर्णन की नहीं शक्ति है गुण के अपरंपार। श्रद्धा भक्ति भाव से हो जाए भव्य पार। ले लीजिए भक्ति भाव से अर्घ ले लीजिए हाथ में अर्घ ले लीजिए। ओम प्रिय देव सतगुरु भयो अनर्गत प्राप्त है जयमाला पूर्ण अर्घ रूपामिति। अर्घावली शासन जिन देव और जिन गुरु शीश नवाए। वीत राग पद मिले मुक्ति सुंदरी पाए। इत्यार्षी वादा पुष्पांजलि छिपामः। आपकी किताब में पेज नंबर 57 निकालिए 57 इस मार्गावली है। देखिए ध्यान रखिएगा आप प्रभु को जन्म होने वाला है मन में आकुलता नहीं होनी चाहिए। अर्घावली लेंगे व्यर्थ कार्य में लगा दिया आंख खुली अब मेरी भगवान अर्घ ले कर पूज लिया। ओ विद्वान श्री बीजित धनकर मन वाणी को शुद्ध करो। दर्शन दे प्रत्यक्ष रूप से मम जीवन का ताश करो। ओ प्रिंस विद्वान विंसित धनकर व्यो अनर्गत प्राप्त आठों कर्मों का जाल बना मकड़ी सम उसमें फंसता हूँ। एक दूसरों के कष्टों को नाथ सदा में हंसता हूँ। चौबीसों तीर्थंकर प्रभु ने जीवन को अपने धन्य किया। हम अर्घ पूजा करते हैं भावों से हमने ध्यान दिया। ओम प्रेम चतुर्थी जनेन्द्र जनेन्द्र जनवान अर्घ प्राप्त नाथ भगवान की निकालिए पेज नंबर 60 मुनिश्वित नाथ भवन का निकालिए मूल नायक भगवान भक्ति के साथ। बोलिए मुनिश्वित नाथ भगवान की। तीन लोक के नाथ भगवान विराजमान हैं। एक बार हाथ ऊपर करिए हाथ ऊपर करिए हाथ ऊपर करिए। देखिए ईमानदारी से थोड़ा मुस्कुराइए थोड़ा सा मुस्कुराइए। इतनी ठंड नहीं है ठंडे पानी से नहा के भले ही आए हो पर शरीर में एनर्जी होना चाहिए उत्साह से। हाँ जी हाथ ऊपर। स्वस्ति धाम में देखो आओ स्वस्ति धाम में देखो और भक्तों की ये बारात कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान।
ओ कृपा यहाँ बरसा रहे मन सोब्रत भगवान, अरे कृपा यहाँ बरसा रहे मन सोब्रत भगवान, ओ कृपा यहाँ बरसा रहे मन सोब्रत भगवान। अरे स्वस्ति धाम में आकर, स्वस्ति धाम में आकर भई मिला बड़ा आराम, कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान, ओ कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान। सुब्रतनाथ भगवान की जय हो, कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान, ओ कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान। गति के अनुरूप ही रहते हैं निज आत्म बोध न मिलता है, पुरुषार्थ करे आगों के संग चरणों में नलिया खलता है, हे मुनि सुब्रत व्रत धार लिया मन में जाकर निज ध्यान किया, सम्मेद गिरी से पामुक्ति शुद्ध आत्मा प्रगटाए दिया, स्वस्ति धाम में आकर, स्वस्ति धाम में आकर हमें मिल गए चारों धाम, कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान, ओ कृपा यहाँ बरसा रहे मुनि सुब्रत भगवान। ओ ले लीजिए, ले लीजिए। ओम रीम जहा तो क्षेत्रस्थ विद्यमान मुनि सुब्रनाथ जिनेन्द्राय नमः, अनर्गत प्राप्ते अर्घ्यम निर्भवति। बोले पार्श्वनाथ, झूठ हिंसा क्रोध कर्मों से किया तन मन मलिन, सत्य संयम ध्यान कर गिर जावे भक्तों का सुमन, दुष्कृत ओ दुष्काल सब प्रभु पास न आवे तभी, वाणि दृष्टि तेरी प्रभु जी स्वस्थ जन होवे सभी, चौ कर्मों को नष्ट कर दिया ही केवल ज्ञान, हो तीन लोक में शांति हो त्रिलोकी भगवान, हृदय कमल हो ज्ञान लक्ष्मी पाऊं फिर परमात्मा, गुण अनंत अनंत धारो ध्यान साधज आत्मा, वाणी कित मित नित उचारे चतुर विद सेवा करे, जी शांति नाथ जिनेन्द्र मेरे अष्ट कर्मों को हरे, नव चरण हो मम हृदय, मम हृदय चरणों में रखे, श्री चरण धारण भव निवारण त्याग कर मुक्ति कहे, पूजन करी प्रभु आपकी यज हो गई गलती कहीं, अज्ञान और प्रमाद वश मेरे उसे जाना नहीं, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना नाथ जी, शेष जीवन जो है मेरा तब चरण हो साथ जी, कर्म से हो बोधि पाओ गमन हो सुगति जी, अन समय समाधि पाओ ध्यान हो तुम चरण जी। इत्यार्षी वादा पुष्पांजलि क्षिपावः नौवा शांति के साथ आराधना में नित्य करूं, ओ सर्व दोषों का हरण कर कर्म को नित परिहरूं, मेरी पूजा भक्ति में आए यहाँ जो देवगण, मैं करूं उनका विसर्जन और प्रभु चरणों नमन। ओम लीजिए, लवण ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, ठोने पर सेवन करना है। ओम हराम ओम हराम ह्रीम ह्रूम रौरा अश्या उषा अर्दादि पंच परमेश्वरा पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध क्षमापणम भवतु यह यह यह। वाहम अठ गुणा होंति से धारणम तव सिद्धे ने सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे या नाणम मिदंसणम मी या सिद्धे शीर्षणमम सामी। इक्षामि भन्ते सिद्धवती कौशको कौतसलोचौ शमणान शमनंसण समचरजत्ताणम अठवीकम विपमुखाणम अठगुण सम्पर्णाणम ओढ़लोय मध्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नैषिधाणम संयम सिद्धाणम चरिसिद्धाणम अतीताणागत वर्तमान कालत्त सिद्धाणम सव सिद्धाणम सयाणिचकालम अंचेमि पूजेमि पन्नामि नवंसामि दुखखौ कमखौ बोइलौ सुगयमणम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जो। और जहाँ छह ऋतुएं होती हैं, किन्हीं किसी देशों में केवल बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, किन्हीं देशों में धूल ही धूल उड़ती रहती है, किन्हीं देशों में रात ही रात रहती है, किन देशों में सूर्य उगा ही रहता है रात ही नहीं होती है, लेकिन भारत देश ऐसा देश है, पवित्र देश है, जहाँ शीत भी आती है, ग्रीष्म भी आती है, बारिश भी आती है, इसके साथ साथ हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। ये बसंत ऋतु है इस समय,
और स्वस्ती धाम में तो बसंत ही बसंत है। बसंत के आने से प्रकृति प्रसन्न होती है और संत के आगमन से संस्कृति प्रसन्न होती है। ये संस्कृति संवर्धन का क्षेत्र है, यहाँ स्वस्ति का क्षेत्र है, कल्याण का क्षेत्र है। जो लोग आ रहे हैं कि वे बैठ जाएं, आप अदा भी ना करें। देखिए आपके मन में आकुलता होगी, नहीं भैया ये कुछ मत करो आप प्लीज, जो जहां वहीं बैठ जाइए और शांति से माला करनी। मैं क्या कहूं, माला करनी है आपको, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ अंदर कुछ नहीं हो रहा है, जो भी होगा बाहर होगा। भैया एक लाइन लगाए, एक लाइन में गुलाई में नहीं, एक लाइन लगाइए, एक लाइन लगाइए सीधी सीधी गुलाई में नहीं। और मैं अनुरोध करूंगा, समय अपने इसी चल रहा है, सिद्ध भक्ति हो चुकी है, हम आगे की विधि शुरू करेंगे। अष्ट देवियां अंदर, देखिए हमारे बीच में बहुत से विद्वान हैं जो सहयोग कर रहे हैं। ब्रह्मचारी नितिन जी हैं, ब्रह्मचारी मनीष जी हैं, गेहम दुत कुमारियो रुचिक वर नगा ग्रासपदा दोत्यंति या चाष्ट जात कर्मा धति तत्रमुसदा स्पृण्यते धनन्या ओम रुचिक वर गिरीन शिखर निवासन्यो विद्यादि देवियो यथा शिवमर्हत प्रोद्मेहादिनी प्रत्यंती स्वाहा। भैया जी एक मिनट, एक मिनट, जितनी ये महिलाओं के सामने कुर्सियां पड़ी हैं, बाली इंटर वहां जाके वो कुर्सियों को साइड में करवा दें। बस मुताला में हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, आप हाथ जोड़िए, व्यवस्था बन रही है, हाथ जो लोग बैठे हाथ जोड़ लीजिए। देखिए भगवान कैसे हैं, यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ बिंब है, प्रतिकृति है। बिंब भगवान के साक्षात जन्म में कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ बिंब में सारी चीज आरोपित करना पड़ती है। देवी को सेवा देंगे, वो अब वहाँ आगे पुष्यपण करके हाथ लगा करके भगवान के शिव पर पुष्यपण करेंगे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते त्रिभुवनलुत्तमंगाय दिगंबराय द्योतिर्मंडलाय देवेन्द्र भर मुकुट मणिगण किरण सलिलधारकृत पादाभिषेकाय द्वादशगण समन्विताय समग्र समो शरण संपत्ति सहिताय विश्वादि वर्धमान पर्यंति धंकराय उद्मुख मोक्षनायकाय नमः। इतनी विशेषताएं उन भगवान में होती हैं, उनमें मोक्ष जाने तक की शक्ति होती है। यह वो शक्ति जन्म के समय आरोपित की जा रही है। किम दासवेत्रे मह वर्णयामि किम चर्चये लग्न मथास्पदं तत् यदेश देवो भुवनस्तयक गुरु स्वयं शब्नासत्रिवेदि चक्रे पुण्या है मध्यादि मनोरथाना पुरा प्रपन्ने। अब देवियां जन्म की शक्ति आरोपित करेंगी, उस बिंब में जन्म किया जाए। ओम ह्रीम जिन जन्म स्थापनाय तस्यान्याशाम प्रतिष्ठे पद्मानुपरि पुष्पाक्षदम छिपीत। और अंतिम का आविष्कार करें, बिल्कुल ध्यान से का आविष्कार कर लें, जो जहां बैठा है वहां बैठ जाए। आओ रिम्पी दीदी अंदर जाओ, रिम्पी दीदी कहाँ माइक नहीं, हेलो भाई माइक कहाँ, भैया माइक देते हैं गॉडलेस। हाँ हेलो, दो अंदर हैं क्या, दो एक एक लगे एक बाहर दे दें, एक दे दो। कैसे कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पृथ्वी भी शांत हो जाती है, वातावरण शांत हो जाता है, मेघ मंद मंद वृष्टि करते हैं, वायु कुमार पवन चलाते हैं और नरकों के नार की भी एक समय के लिए एक क्षण के लिए शांति का अनुभव कर लेते हैं। नवाण मुखा की ध्यान कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान कीजिए, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। शुभे विलग्ने शुनवास केवा जिनी जन्म प्रभो अद्वत मंजूषिकांतर गतमा शुभिम्बम नेकाशेदार्य बराह करभ्याम तत्रैव घंटा नक्षे भेरी शब्द चतुर्धा तिथिवालया नाम संघो नमन मोद
श्री 14 मिनका सिंहासन का पैमान होता है। अरे ये क्या इंद्र का आसन कंपायमान हो रहा है? क्यों हो रहा है? अरे ये क्या मेरा सिंहासन कंपायमान क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? और अवध ज्ञान लगाते हैं 14 मिनट। प्रसन्न होते हैं, धीरे धीरे आसन से सची नानी हैरान है क्या हुआ स्वामी को। नमो सुमित्राय, नमो सुमित्र नंदनाय, नमो सुमित्र नंदनाय। कारण कोई कार्य नहीं करता, आगे फूल करें। परंतु आप किसे नमस्कार कर रहे हैं स्वामी? यहाँ तो कोई ना जिन मंदिर है ना चैत्यालय है, फिर आपने किसे नमस्कार की निवेदित किया है? बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राजगृह नगरी में महाराजा सुमित्रा राजा के सर्ववैभव संपूर्ण महल में महारानी सोमा देवी के पवित्र कोख से मुनि सुब्रतनाथ त्रिशंकर बालक का जन्म हो चुका है। दोनों हाथों को उठा लेंगे। सचिन कहता है अरे सचिन सारी खुशियां यही मनाते रहोगे कि राजगिरी जाके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करोगे। क्या कह रहे चंदन, सारी खुशियां यही मना लोगी क्या? हाँ सचिन, हे सचिन यही खुशियां मनाते रहोगी कि राजगिरी जाकर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करोगे? जरूर स्वामी, आज मेरा मन अत्यंत पुलकित हो रहा है। मैं उनके तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए अति व्याकुल हो रही हूँ। इतनी व्याकुलता ठीक नहीं है। अभी हम अपने परम मित्र कुबेर के साथ पहले तैयारी करेंगे राजगिरी जाने की। शीघ्रता कीजिए स्वामी, राजगिरी जाने की तैयारी कीजिए और सभी देवों को भी साथ में निमंत्रण दीजिए विमानों से। ए धनपति कुबेर, सभी देवों को अपने अपने विमानों से राजगृह नगरी की ओर प्रभु के जन्म कल्याणक को बनाने के लिए प्रस्थान चलते हैं। जो आज्ञा हो महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और कुबेर आदेशित करते हैं विमानों के लिए, आ रहे हैं विमान सभी, मयूर विमान, हंस विमान, हैदराबाद, सभी राजगिरी जाने के लिए और आ रही है सभी विमान। देखो जोरदार तालियां बजाइए, कहीं नगरी चलो चलिए, चलो चलिए नगरी चलो चलिए। कुबेर हर्षित होते हैं, रत्नश्री करते हैं, राजगिरी जाने तैयारी करते हैं। ईशान जन माहिन, ईशान जन माहिन, एक ना एक महक ना कह जाते हैं सभी। चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए,
चलो चलिए, अरे राजगृही नगरी को चलो चलिए, राजगृही नगरी को चलो चलिए। और चली इंद्रो की टोली मिले एक साथ बोली, चली इंद्रो की टोली मिले एक साथ बोली, राजगृही चले राजगृही चले राजगृही चले राजगृही चले। और चली इंद्रो की टोली मिले एक साथ बोली, चली इंद्रो की टोली मिले एक साथ बोली, अरे राजगृही चले राजगृही चले राजगृही चले। रंग गुलाल उड़े है नाच अंग अंग, हे केसर और गुलाल उड़े है नाच अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े है नाच अंग अंग। ओ सैयन की पिचकारी लिए सस्ती भूषण सब, चली इंद्रो की टोली मिले एक साथ बोली, चली इंद्रो की टोली मिले एक साथ बोली, राजगृही चले राजगृही चले राजगृही चले राजगृही। ओ जाइए तो पीछे जाइए, सोदम जी को आने आगे दीजिए, सोदम जी सभी बाहर ना जाएं आगे, सोदम जी चलेंगे कोई आगे आगे सही बहनों के साथ, सोदम जी सचिन रानी क्रम चलेंगे, आइए सही बहन आ जाएंगे, आएंगे सभी आ जाइए। देखिए अभियोग और केसर और गुलाल उड़े हैं नाच अंग अंग, ओ केसर और गुलाल उड़े हैं नाच अंग अंग, हे केसर और गुलाल उड़े हैं नाच अंग अंग, ओ केसर और गुलाल उड़े हैं नाच अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए ज्ञान सागर सक चली चली होली, ओ कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा भी। अनुचराय परम परिंद्राय अहमिंद्राय परमार्हताय अनुपमाय समय दृष्टे कल्पते कल्पते दिव्यमूर्ते वजनामन सेवाफलम सर्वम स्थानम भवतु अभिनाशनम भवतु समाधि मरणम चे भवतु स्वाहा। अब हाथ जोड़िए पूरे ध्यान के साथ, देखिए जन्म की क्रिया होगी, बधाइयां भी होंगी, लेकिन साथ में क्यों होती हैं बधाइयां, क्या होता है जन्म, क्या होती है जन्म की अच्छे ये हम गौड़ हो जाता है और राग में लग जाते हैं। स्वस्ति भूषण माता जी का निर्देश है जो भी क्रिया हो जो पात्र हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं सोद्रम बन के क्या कर रहा हूँ, मैं कोई बन के क्या कर रहा हूँ, मैं अष्टकोई बन के क्या कर रही हूँ, हम इंद्र बन के क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। चौदह बन जाते हैं पता चलता कि भगवान के लक्षण कौन कौन से, इसे ध्यान रखना आपको। सुहा बोलेंगे ओम अश्विन बिंबे ने शिवदत्त गुरुबिल सतो, ओम अश्विन बिंबे यहाँ आरोपित कर रही हैं देवियां। संस्कारम संविदायेतम नवकेवलब्धजम उच्चारयामि शर्मन्त्रान ओम अहद्यो नमस्तः ओम अहद्यो नमः नवकेवलब्धभ्यो नमः श्रीस्वादिलब्धभ्यो नमः मदर स्वादलब्धिभ्यो नमः समन सूत्रभ्यो नमः पादानुशारिभ्यो नमः कोष्ठ बुद्धिभ्यो नमः बीज बुद्धिभ्यो नमः सर्वबद्धिभ्यो नमः परमबद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रौं वल्गु 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 सुषुम्ने ओम विश्वादि वर्धमानांतिभ्यो वशत् वशत् स्वाहा। निवेदन करूंगा माताजी से, माताजी वर्धमान मंत्र का उच्चारण 7 बार करना है तो मैं चाहता हूँ आपके श्रीमुख से कि बड्डमान मंत्र की प्रक्रिया हो। सब हाथ जोड़ लीजिए, बड्डमान मंत्र मतलब इन तीर्थंकर भगवान में बड्डमान चरित की स्थापना, और इस प्रकार यह बड्डमान चरित आरोपित किया गया। अब अतुल बल कैसा होता है, आदिनाथ भगवान से मूलतः धारा शुरू हुई है,
जितने प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं, सभी प्रतिष्ठा ग्रंथों में आदना भगवान का ही वर्णन है केवल। और आदना भगवान के शरीर की अवगणना 500 धनुष की थी। उनके शरीर की अवगणना के हिसाब से विचार करें हम, जब अभिषेक करते हैं, सौदम जी आएंगे अभी, और 1008 हाथ बनाएंगे। कितने हाथ? और एक एक हाथ पे एक एक कलश लेंगे। 1008 हाथ बनाने के बाद, 1008 कलश लेने के बाद सौदर्मन एक साथ उनसे अभिषेक करता है। एक साथ, एक एक नहीं, एक साथ। आचार्य जैसे जो हम लिखते हैं प्रतिष्ठा पाठ में कि सौदर्म इंद्र 1008 कलशों के द्वारा अभिषेक करते हुए 1008 गुणों की स्थापना करता है उसमें। अब वो 1000 नाम जो वहां सहस्त्र पाठ पढ़ता है, दो बार माता पढ़ाते हैं, तो जन्मों से अपने सहस्त्र नाम पाठ पढ़ते हैं और दूसरी बार केवल ज्ञान होने के बाद पढ़ते हैं, यहां आरोपित करते हैं और वहां फलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें रखना है। ये मनुष्य वेदांत का पहुंचा रही है प्रक्रिया। ओम ह्रीम राजा के नगरी दिवंश सुमित्र भूपते पद्मवत्याम उत्पन्न मनुष्यविद्नाथ स्वामी उत्तर अत्रबिंबे कच्छपांकित्वाद गुण स्थापनम तेजो मय करो मी। बस योजन गहराई बाले चौ योजन चौड़ाई बाले एक योजन मुख के कलश ढोरे शिशु माथा नहीं जरा डिगे शिशु नाथा। तो एक योजन कितना बड़ा होता है? इतना इतना मैं यही कहता हूं। मैं पचगा तो हो जाता है लेकिन हमें जानकारी नहीं लग पाती। कुबेर इंद्र रोज रत्न बरसाता है 14 करोड़ और 63 खरब रत्न बरसते हैं राजा सुमित्र के राज दरबार में, राज प्रांगण में। एक योजन होता है 4 कोश का और 4 कोश में होते हैं 8 मील। 8 मील मतलब 12 किलोमीटर और 12 में गुणा कर 8 का बस योजन गहराई वाले 96 किलोमीटर की गहराई उस कलश की। ये जो कलश है ना जिसे अभी अभिषेक होगा, गहराई कितनी इसकी? 96 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 48 किलोमीटर चौड़ाई है और 12 किलोमीटर का मुख है। कितना जल होगा उसमें? यहां से कहां तक पहुंच जाएंगे? कोटा तक पहुंच जाएंगे। इतना गहरा और 8 किलोमीटर चौड़ा और ऐसे कलश 12 किलोमीटर का मुंह एक साथ, ये अतिशय नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये साक्षात होता है। अच्छा, ये लिखते हैं जिसमें जन्माभिषेक होता है ऊपर से जब जल गिरता है जो सूर्य मंडल के विमान है, चंद्र विमान है, ये सब विमान उस जल में डगमगा जाते हैं। इतना जल होता है। आज आपको सौभाग्य मिलेगा जितने लोग यहां आए हैं, स्वस्ति मांगी कल्पना है, भावना है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है कि कोई भी व्यक्ति बिना कलश किए हुए यहां से नहीं जाएगा, सबको मौका मिलेगा। ये बड़ा कलश है, मात्र 1,51,000 और द्वितीय कलश 1,11,000। अच्छा 1,11,51,000 ऐसे ऐसे एक कलश है या और भी ले सकते? नहीं माता जी, तो केवल दिखा रहे अपन केवल। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्रम से आएंगे, 21,000 की राशि का भी है, 11,000 की राशि का भी है, 51,000 की राशि का है। और गुरु माँ ने कहा मेरे दर पर आने वाला कोई भी खाली नहीं जाए, मात्र 21,000 की राशि का कलश भी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कलश होने को मिल जाएंगे और कलश होने को मिल जाएगा। ले माँ के देखो कलश भी करो और साधु धोती दुपट्टा मिलेगा, धोती दुपट्टा साधु मिलेगा, धोती दुपट्टा से अभिषेक करना है। हमारे सुरेश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, जैसे जन साहब बैठे हुए हैं, तो देखिए धोती दुपट्टा कई बार क्या होता है, पैंट शर्ट पहनो बस दुपट्टा ओढ़ लिया अभिषेक कर लो। ये तो बालक हैं अभी, नहीं है क्या इनमें? अरे जिनके सामने छायक सम्मति सोदर में इंद्र नतमस्तक होता है, वो सचिन नारायण जब अंदर जाएगी अभी आप देखेंगे, वो मुनि नहीं है, बिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बालक हैं। लेकिन उसी उन बालक की जो तीर्थंकर प्रकृति की प्रगणाएं हैं, वह सची इंद्राणी की नारी पर्याय का छेद कर देती हैं। और नारी पर्याय में एक सौदर्मेंद्र के जीवन काल में 40 नील सची इंद्राणियां मोक्ष पहुंच जाती हैं। विचार करो आप कितना उत्कर्ष है
इन तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक का, लेकिन हम राग रंग में सब निकल जाता, पता नहीं चलता क्या हुआ। तो ऐसे कलश ढूंढेंगे, शोधम सोचता है जब कलश हाथ में ले लेता है कि ये जल डालूंगा कहीं ये बालक बहना जाए, तो रूपक दिया है आचार्यों ने, तीर्थंकर बालक को छींक आती है, आती नहीं है, छींक आती है, जो नाक से हवा निकलती है उस हवा से शोधमेंद्र डगमगा के नीचे आ जाता है। तब उसे अरे मैं क्या सोच रहा हूं, ये तो अतुल बल वाले हैं, हितमित प्रिय वचन वाले हैं, इनका रक्त कैसा है, सफेद क्यों है, यही तो बात है। एक बहन की शादी हो और 10 साल तक उसकी कोख में बच्चा ना हो, गर्भ में ना आशीषु ना आए, तो क्या उसके स्तन में दुग्ध आएगा, 15 साल हो जाए तो भी दुग्ध नहीं, जैसे ही मां के गर्भ में जीव आता है उसके स्तन में दुग्ध आना शुरू हो जाता है। ये करुणा का प्रतीक है, कोई भी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे शेरनी हो, चाहे गुदिया हो, चाहे कोई भी हो, जो भी माँ होगी, किसी भी पर्याय की होगी, उसके अंदर जो वात्सल्य होता है, उस जीवित वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य से उसके अंदर दुग्ध की उत्पत्ति हो जाती है। और ये तीर्थंकर भगवान तो मनुष्यनाथ भगवान ने तो पिछले जन्म में अनंत वीर के रूप में, पिछले बनाए में अनंत वीर के रूप में राजा थे और राजा बन के गए और वहां मुनाद को आहार दिया, आहार देकर मुनाद से उपदेश सुना और जंगल में ही दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के वहीं केवली सुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद किया और प्राण स्वर्ग में जाके विराजमान हो गए और प्राण स्वर्ग से आकर के महारानी सोमा की कोख में अवतरित हो गए। ऐसा वह जीव जिसने केवली सुत केवली के पादमूल में अपाय विषय धर्म ध्यान की भूमिका में, ध्यान रखना, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान, तो धर्म ध्यान के अपा विजय नामक धर्म ध्यान की भूमिका में तीनों लोगों ने जीवों के कल्याण की कामना की, इसीलिए उनके पूरे शरीर में दुग्ध समान रक्त पैदा होता है। अब ये एक बात बताइए, डॉक्टर साहब बैठे मेरे इसमें है ना, पहले हवन हो रहा है, हाँ तो नहीं ये अभी नहीं होगी, बोली बोली बात करेंगे जब भगवान आए, अभी अभी जब आ जाए, 20,000 10-20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। आइए पूरी भक्ति और आराधना के साथ इंटरनेशनल ऐतिहासिक पंचकल्याणक जहाजपुर नगरी में हो रहा है और इसकी स्मृति स्वरूप आपको ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिलने जा रहा है कि जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर उपस्थित थे, 8 वर्ष से ऊपर का बच्चा वो भी अभिषेक किए बिना ना जाए, इसलिए पूरी भावना बना लेना और एक सौगात यहां से लेकर जाना, एक मंत्र यहां से लेकर जाना। आइए पूरी भक्ति और आराधना के साथ 2,20,220 रुपए प्रथम सबक। आइए राम भैया, और बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ मेरे मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले थोड़ा यतन, ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब। कितना हुआ भैया जी? 2,50,000 कर दो। 2,55,000। मेरे बीच में नहीं बोलना, मेरे आंकड़े अलग चलते हैं, आप बोलोगे सारे गड़बड़ हो जाएगा, मुझे अपने हिसाब से बोलने दो। 2,55,255 रुपया। आइए महानुभाव, ये महाप्रभु भगवान मनुष्यप्रद स्वामी का जन्म हुआ है, जय बोलो भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। 2,55,555 रुपये सौदर्भिंद के पश्चात प्रथम जन्माभिषेक करने का सौभाग्य 2,55,555। सुनो 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 सुनो, 3,03,333 रुपया। और आपकी नहीं है बहन जी, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है वो, ये देखिए दूरदर्शन से आ रही है, दूरदर्शन से आ रही है, दूर से दूरदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, जो सामने दर्शन कर रहा है वो बोल नहीं पा रहे हैं, दूर वाले दूर बोल रहे हैं। 3,03,333। सोच लेना अरुण बालो, आज तो ऐसा सोचो जरा, झूठा जहां जीवन को पावन बना, सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना,
ओ धर्मों बिना सुनी है जिंदगी दो दिन का जीना यहाँ धर्मों बिना सुनी दोनों हाथ उठा लीजिए दो दिन का जीना यहाँ धर्मों बिना सुनी जिंदगी दो दिन का जीना यहाँ भैया जी कितना हुआ भाई जी 3,03,333 3,03,333 भैया जी कौन सा कौन सा कल्याणक हो रहा है पंचकल्याणक हो रहा है भाई जी कौन सा कल्याणक हो रहा है पंचकल्याणक हो रहा है पंचकल्याणक हो रहा है ना और पंचकल्याण के हिसाब से बोली होगी एक मिनट भैया वो देखिए पंचकल्याणक आइए माँ श्री ने माता जी ने शतिभूषण माता जी ने एक सपना सद हुआ था कि मंदिर बने जहाज बंदे बने ऐसा मंदिर बने जो कहीं से देख देना है और पूरे विश्व में एक ही ऐसा जहाज मंदिर है जो भवसागर से पार उतारने वाला है 3,55,555 4,44,444 भूषण माता जी की समस्त तारिका संघ की 6,6,666 भैया सठ लग गया और भारतीय संस्कृति में सठ का अपने आप में तर सोच लो 7,07,700 स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम ओ धाम 10,10,110 स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम ओ सबसे प्यारा स्वस्ति धाम ओ सबसे प्यारा स्वस्ति धाम ओ सबसे न्यारा स्वस्ति धाम सबसे न्यारा स्वस्ति धाम संयम ने फिर से सुरभि महकाई है और संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं और संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं और भक्तों की भक्ति कैसा रंग लाई है और जहाजपुर में पावन कैया आई है और संयम ने फिर से सुरभि महकाई है 20,20,220 दो बोलियां 20 की सबसे पहले इधर ऊपर की हाँ जी दूसरी नीचे पावन हुई सारी और देव दर्शन और गुरु माँ मिल गई प्यारी और देव दर्शन और गुरु माँ मिल गई प्यारी ये जहाजपुर की ये धरा पावन हुई सारी और देव दर्शन और गुरु माँ मिल गई प्यारी और लो महोत्सव आ गया जो महोत्सव आ गया कुछ वक्त से पहले और वक्त से पहले यहाँ आगे दीवाने हाँ जी भाई चलिए 21,22,222 जोरदार तालियां बजाइए महानुभाव जहाजपुर वाले बाबा की जय जय और एक और पूरे देश में जहां जहां तक लोग देख रहे हैं वो भी अपनी भावना हमें फोन से बता रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा लेकिन मेरे नाम का एक कलश जरूर करवा देना भैया हम बाद में आकर कभी ले जाएंगे तो जो लोग यहां शरीक हुए यहां उपस्थित हुए आपका पुण्य इतना है इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिल रहा है सभी लोग अपने अपने कलश जहाजपुर में फोन आए चलिए 31,31,331 एक बार में बोली को संपन्न कर रहा हूं अभी भी आपके पास 30 सेकंड का समय है अगर कोई सौभाग्य 31,31,000 सारी मतलब की है यारी चारों ओर छाई माया चारी सारी मतलब की है यारी चारों ओर छाई माया चारी ओ माना जिसे सगा वो ही देगा सगा माना जिसे सगा वो ही देगा जा रही है जिंदगी
कुछ कीजिए सारे देखा ये साथ जमाना नहीं और इसमें उलझना जाना कहीं मुफ्त में भटके खा रहा झटके तेरा कहीं पे ठिकाना नहीं और देगा ये साथ जमाना नहीं जिंदगी है टूटता खिलौना और एक बार गुरु से मिलो ना जिंदगी है टूटता खिलौना और एक बार गुरु से मिलो ना और राह दिखा रही जीना सिखा रही राह दिखा रही जीना सिखा रहे सत्य संयम त्याग का रस पीजिए साहेब देखिए एक मिनट ये देखिए देवे कितने अच्छे लग रहे हैं झमट उठाते हुए अबे बाहर और इसमें उलझना जाना कहीं है मस्तों में फटके आ रहा झटके तेरा कहीं पे ठिकाना 333 श्री 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 क्या बात है कितना हो गया 33 33 ये आ गया लोग 33 lakh 33 hazar लेकिन दूसरी जगह से है इधर पहुंच गई दूसरी जगह से है हाँ हाँ वो वो दूर चलिए हाँ आइए वो जिंदगी है टूटता खिलौना और एक बार आप लोग थक गए क्या थके तो नहीं ना दोनों हाथों उठा लीजिएगा दिखा रही जीना सिखा रही राह दिखा रही जीना सिखा रही सत्य संयम त्याग का रस पीजिए साहेब देगा ये साथ जमाना नहीं और इसमें उलझना जाना कहीं मुफ्त में भटके आ रहा झटके तेरा कहीं पे ठिकाना नहीं देगा ये साथ जमाना नहीं ओ देखिए राम कुमार कितनी मेहनत कर रहा है आपके हाथ नहीं उठ रहे आप अपनी सोलो में से हाथ निकालो निकालो जल्दी दोनों हाथ उठाइए जल्दी उठाइए हमारे जल्दी देखिए कितने छोटे छोटे यहाँ ये महान बने हैं इंद्रों के जोरदार तालियां इस क्यों आपको अलग से कहना पड़ेगा बहनों भाइयों हाथ उठाइए दोनों हाथ उठाइए जहाज पुर में पावन घड़िया आई है हाँ संयम ने फिर से सुर भी बहलाई है और संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं और संग सहित पुनीत सागर जी आए भक्तों की और भक्तों की भक्ति के सारंग लाई है चलिए मैं बोली को संपन्न कर रहा हूं 33 lakh 33 hazar 333 rupees 33 lakh 33 hazar 333 rupees दो 33 lakh 33 hazar भाई नीचे एक मिनट कंफ्यूजन ना हो नीचे बोला मैंने कंफ्यूजन ना हो पूछ लो एक बार अलग बोली है इधर की नहीं उधर की है चलिए कोई बात नहीं 33 lakh 33 hazar 333 rupees 2.5 x 99 और 33 lakh 33 lakh 333 rupees 1.5 x 99 ये अवसर आया इसमें सोच विचार है क्या और बोली लेने वाले भाई ये तो पता तेरा नाम है क्या देखिए किसका होता हम नहीं जानते भगवान किसको बुलाते हैं किसके हाथ का जल स्वीकार करते हैं किसके आंगन में वह खुशियां बहेंगी हम बोली शुरू कर रहे थे लेकिन कहां पहुंचे हम नहीं जानते शोधमित का अपना सौभाग्य है कुएं का अपना सौभाग्य है लेकिन सबसे मुख्य बात कौन होता है मालूम जहां शोधम भी पहुंचता है गुरु भी पहुंचता है सब जाते हैं सी जुगाते हैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है महाराज सुमित्र और उनके परिवार जिन्होंने महाराजा सुमित्र जो भगवान के माता पिता बनने का जिन्हें सौभाग्य में एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुमित्र
सेन की, बोले सोमा मातेश्वरी की। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी अंकुश जी एक बार आ जाए और गुरुमा के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंकुश जी, उनकी सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हुए अंकुश है ना, वही वहां जन्माभिषेक करेंगे। प्रथम कलश करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। महानुभाव आइए, मैं पूरे परिवार को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अंकुश, अंकुश दादा, अंकुश कहाँ है? अंकुश क्या बात है भैया? मदन भाई जी उमड़, दिलीप भाई जी उमड़, अशोक भाई जी उमड़, अंकुश 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 आ गया। अंकुश चल बड़ा, अरे जहाजपुर में पावन घड़ियां आई है, भैया मेरे फिर से सुरभि महकाई है। ओ जहाजपुर में पावन घड़ियां आई है, ओ सैया मेरे फिर से सुरभि महकाई है। और संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं, ओ संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं। और स्वस्ति भूषण माँ के सिंहर जाई है, अरे जहाजपुर में पावन घड़ियां आई है, ओ सैया मेरे फिर से सुरभि महकाई है। ओ देखिए, हुमड़ पर समाज का ये गौरव है जो आज यहाँ भूपेंद्र जी उनका बेटा अंकुश अभिषेक करेगा, ये सौभाग्य प्राप्त होगा, उनका पुरपरिवार होगा। तो मैं चाहता हूँ आ जाए मासी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूसरा कलश कौन करेगा? द्वितीय कलश माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। और आज माता के दीवाने आ गए सारे, अरे आज माता के दीवाने आ गए सारे। और ये चमत्कारी है इसके खेल है न्यारे, अरे ये चमत्कारी है इसके फेर है न्यारे। सारे के सारे माँ के दीवाने बैठे हुए, जो माँ के दीवाने एक बार दोनों हाथ को उठाएंगे, बोले सस्ती भूषण माता जी की जय हो। सारे माता के दीवाने आ गए सारे, और आज माता के दीवाने आ गए सारे। और ये चमत्कारी है इसके खेल है न्यारे, और ये चमत्कारी है इसके खेल है न्यारे। आओ तो हाँ राम भैया, हाँ जी बोलो। और शांति है सुकून है जब से ये माँ आई, शांति है सुकून है जब से माँ आई। और कहे उठे हैं आसमां के चांद और तारे, और कहे उठे हैं आसमां के चांद और तारे। अरे हर सुगत प्रभु की, हर सुगत की प्रतिमा मन को भाई है, तालियां हाथ उठाकर फिर से सुरभि महकाई। हर सुगत की प्रतिमा मन को भाई है, ओ संग मैंने सुरभि सिर से महकाई है। और संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं, संग सहित गुरु ज्ञान सागर जी आए हैं। और जहाजपुर की धरती अब हरियाई है, और जहाजपुर में पावन घड़ियां आई है, ओ सैया मेरे फिर से सुरभि महकाई है। ए जहाजपुर में पावन घड़ियां आई है, खेल है। और आज हमारे धनपति कुबेर को देखें आप, और हमारे भगवान के माता पिता जिनने ये पुण्य अर्जन किया है। अरे आज माता के दीवाने आ गए सारे, ओ आज माता के दीवाने आ गए सारे। ये चमत्कारी है इनके खेल है न्यारे, ये चमत्कारी है इनके खेल है न्यारे। धनपति कुबेर जी की ओर से भाइयों ध्यान से सुनेंगे, हमारे धनपति कुबेर जी की 22 रुपए दो बार 2,22,222 राम भैया। ओ स्वस्ति धाम में आकर देखो, आज ठुरेंगे कलशा और इंद्र इंद्राणी नाच रहेंगे धर कर सर पल कलशा। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। और स्वस्ति धाम में आकर देखो, हुआ बड़ा ये जलसा। आयोजन में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं इस प्रकार से ये पूरी टीम, और तीन जगह जो पंचगाना हो रहा है, एक मंच पर हो रहा है, दो जगह मंदिर में हो रहा है, और जाप आदि क्रियाएं हो रही हैं। हम अनुरोध करेंगे माता जी मागे काम शुरू करें, माता जी शुरू करें। दूत आ रहा है, दूत आ रहा है महाजा।
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।